नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आइए आपको दिखाते हैं देश और प्रदेश की तमाम खबरें। खबरों को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हर खबर की करंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर स्वाभिमान मंच के कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विचार गोष्ठी का आयोजन किया। स्वाभिमान मंच के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने आजमगढ़ शहर के युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर गुब्बारों व माला फूल से सजावट कर माल्यार्पण किया और विचार गोष्ठी का आयोजन भी किया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए स्वाभिमान मंच के संस्थापक अध्यक्ष सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी की द्वारा कहे गए एक एक शब्द हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। कार्यक्रम में सूरज यादव सहित दर्जनों पदाधिकारी व युवा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिसके चिन्हों पर चल करके आज के जितने भी युवा है देशभक्ति के लिए आज लालायित है, देश को उच्चतम स्तर तक ले जाने के लिए आज लालायित है। और स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा मार्गदर्शन किया है युवाओं का कि वो शताब्दियों तक भारत के हर एक युवा के आदर्श बने रहेंगे। उन्होंने हम सभी युवाओं को स्वयं को मजबूत करने के लिए आह्वान किया था। हम युवा स्वयं अगर मजबूत होंगे तो दुनिया हमारे कदमों में होगी। सभी युवाओं को चाहिए कि आप स्वयं को मजबूत करें, खेलों से जुड़िए। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि जब तक हम मजबूत नहीं होंगे तब तक गीता के उपदेश हमारे लिए लाभकारी नहीं होंगे और गीता के द्वारा बताए गए चीज़ों में हम नहीं चल पाएंगे, क्योंकि गीता भी ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया था जो एक धनुर्धर था, एक महान व्यक्ति था। अर्जुन के लिए कही गई थी, ऐसे किसी आम इंसान के लिए नहीं कही गई थी। इसीलिए स्वयं को मजबूत करने पर ध्यान दीजिए आप सभी। हम जितने भी युवा हैं किसी न किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ें और स्वामी विवेकानंद जी के जो उन्होंने सपनों का भारत देखा था उसे पूरा करने का हम लोग कार्य करें। आप सभी से यही निवेदन करेंगे कि आप अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ें और विवेकानंद जी का सही रूप से यही जन शताब्दी पर हम लोग संकल्प लेना चाहिए। धन्यवाद। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ टीवी 20 न्यूज पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।